कोरोना की दूसरी लहर ने कोहराम मचा रखा है। मरीजों को अस्पतालों में बेड नसीब नहीं हो रहे हैं, ऑक्सीजन नहीं मिल पा रही है, दवा व इंजेक्शन के लिए भी मरीज और तीमारदार को इधर उधर भटकना पड़ रहा है। इन हालातों में शहर के 5 युवाओं ने मरीजों की परेशानियों को देखते हुए लग्जरी कार में ही निःशुल्क प्राणवायु देना शुरू कर दिया है। सोमवार को लग्जरी कारों में 4 मरीजों को ऑक्सीजन लगाई गई, जबकि 2 मरीजों के घर पर ऑक्सीजन सिलेंडर पहुंचाया। विजयनगर निवासी चंदेश गुहिजा के आर्य समाज रोड पर गाड़ियों का सर्विस सेंटर है। कोरोना की दूसरी वेव में मरीजों को बेड व ऑक्सीजन के लिए भटकते देखा तो मन में इनकी मदद करने का विचार आया। चंदेश ने साई मित्र मंडल के अपने 4 दोस्तों आशीष सिंह, भरत समनानी, रवि कुमार व आशु कुमार को साथ लिया और विज्ञान नगर में साई चौक में 3 लग्जरी कारों को खड़ा कर आपातकालीन अस्पताल बना दिया। ऐसे में मरीज जिनको अस्पताल में बेड नहीं मिल रहा है, ऑक्सीजन की व्यवस्था नहीं हो रही है, वो मरीज यहाँ आ रहे हैं। यहाँ आने पर उन्हें कार में लिटाकर ऑक्सीजन लगाई जा रही है। दूसरा इंतजाम नहीं होने तक या मरीज की कंडीशन ठीक होने तक उसे कार एम्बुलेंस में ही रखा जा रहा है। इतना ही नहीं, इन एम्बुलेंस से मरीज को अस्पताल व डॉक्टरों के घर तक भी पहुँचा रहे हैं। घर घर जाके हम सेवा कर रहे हैं। जैसे कॉल आता है, कहीं कहीं स्टेशन से भी आता है, तलवंडी से भी आता है, पर वहाँ जितना हो सकता है जा पाते हैं। बाकी तो विज्ञान नगर तो हम कर ही रहे हैं। सुधा हॉस्पिटल तक भी हमने ना गैस पहुँचाई है। उसके बाद मरीजों को भी ले गए हैं। इसमें गाड़ियों में एम्बुलेंस बनी हुई है, मरीज को आगे बिठाते हैं, पीछे सिलेंडर लगाते हैं। भारत विकास हुआ, डेली हुआ, जो भी यहाँ पे है, सुविधा बहुत अच्छी हो रही है। पर हमको क्या है, थोड़ा खाली सिलेंडर तो हमारे पास है, हम रात को भी गए, कल रात को भी गए, पर हम वापस लौट गए। फिलहाल 3 कारें लगाई गई हैं और जरूरत पड़ने पर इनकी संख्या बढ़ाते हैं। इनमें कई कार खुद की, एक भाई की व एक चाचा की कार है। इनमें 2 कारों को एम्बुलेंस बनाया गया है। सभी गाड़ियों में गैस किट लगवाए गए हैं। मरीज के ऑक्सीजन चढ़ने तक कार का एसी चालू रखना पड़ता है। ऑक्सीजन सिलेंडर व कारों का मिलाकर प्रतिदिन 5 से 7 हज़ार का खर्चा आ रहा है। ये खर्च सभी दोस्त आपस में मिलकर उठा रहे हैं। कुछ लोग भी मदद कर रहे हैं। कार में एक सिलेंडर से 3 मरीजों को ऑक्सीजन देने की व्यवस्था है। एक मरीज को 2 से 3 घंटे ऑक्सीजन पर रख रहे हैं। अभी बड़ी मुश्किल से जुगाड़ कर 3 सिलेंडर की ही व्यवस्था हो पाई है। ऑक्सीजन सिलेंडर लेने के लिए रात को 7 बजे लाइन में लगना पड़ता है, तब जाकर रात 1:30 बजे ऑक्सीजन सिलेंडर मिल पाता है। हमको गैस की व्यवस्था नहीं हुई, वही शाम को 5 बजे नंबर लगता है, सवेरे 5 बजे तक वहीं बिठा लेना पड़ता है हमको। तो थोड़ा अगर हमारा इंतजाम हो जाए तो हम और भी सेवा लगा सकते हैं यहाँ पे, गाड़ियाँ तो और लग जाएंगी। क्या उद्देश्य है सेवा के पीछे, ये भावना कैसे है आपके मन में? भावना तो ये है कि जान बचाने के लिए। हम देख रहे हैं जो हालात, उस दिन भी हम हॉस्पिटल में गए, उस दिन एक इधर पड़े हैं, एक इधर पड़े हैं, उनको ऑक्सीजन नहीं मिल पा रही है, बहुत लोग परेशान हैं। ये युवा पिछले 10 से 12 दिन से मरीजों के घरों तक निःशुल्क ऑक्सीजन सिलेंडर पहुंचा रहे थे। कई मरीज ऑक्सीजन सिलेंडर रख लेते थे। कुछ जगह तो ऐसी थी जहां 3-4 मंजिलों पर सिलेंडर चढ़ाना पड़ता था। इसमें समय ज्यादा लग रहा था और कम मरीजों की मदद हो पा रही थी। फिर विचार बदला और कारों में ही ऑक्सीजन लगाने की व्यवस्था की। शुरुआत में परिचित फैक्ट्री मालिक ने 4 ऑक्सीजन के सिलेंडर देकर मदद की। 1100 रुपए के रेगुलेटर 3500 रुपए में खरीदे। ऑक्सीजन मास्क के भी 40 के बजाय 100 रुपए देने पड़े। हर मरीज को अलग अलग ऑक्सीजन मास्क लगाना पड़ता है। सर अभी तो हम 5-6 लोग ही हैं, और भी हमारे साथ हैं, पर वो अभी तो हम 5-6 गाड़ियां तो उनको बुलाएंगे, गाड़ियां तो वो ले आएंगे, पर ऑक्सीजन होना सर अब मैं बताऊं। कल हम अपने ये आकाशवाणी में जो जज साहब हैं, पीर अकबर जी नाम है, उनको भी हमने गैस प्रोवाइड की और उन्होंने भी हमको कहा कि भाई मैं भी आपकी हेल्प करूंगा, पर अभी तक